जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। जैसे आपने शीर्षक भी देखा होगा वीडियो का कि एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह, एट्थ हाउस का लॉर्ड और टेंथ हाउस या टेंथ लॉर्ड, उसके बारे में अवश्य बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। इनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, आने वाले पीरियड्स के बारे में, फाइनेंस है, प्रोफेशन है, संतान है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, नंबर्स मेरे वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, ईमेल के थ्रू कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पहचानने में भी मदद करेगा, हमारी वीकनेस को भी बताएगा, और इसलिए और हमारे गुड कर्मास, जहां पे हमको गुड कर्मास करके अपने इन सारी चीजों को ठीक करने का मौका मिलता है, वो ये भी इसमें बताएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, एट्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर किसी की भी पत्रिका में है, जो हमारे लगन चार्ट होता है उसमें एट्थ हाउस में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा, कोई भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये सब आप ये मान के चलिए कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से वो प्लैनेट हमारी पत्रिका में एर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब वो हमारे जीवन की डिजायर्स को भी दिखाता है। अब आप जहां पे वो प्लैनेट बैठा हुआ है एर्थ हाउस में, जो भी प्लैनेट बैठा हो, वो डिजायर्स को भी बताता है कि भाई पूर्व जन्म में हो सकता है उस प्लैनेट से रिलेटेड हमारी डिजायर्स जो हैं वो कुंठित हों या विभीत्स हों, खराब हों, किसी मायने में हमने उन चीजों की वजह से किसी दूसरे को प्रताड़ित किया है। अब अगर उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए किसी की पत्रिका में अष्टम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, अब लड़ाई, झगड़ा, एग्रेसिवनेस, प्रॉब्लम्स, ये शायद हो सकता है पूर्व जन्म में जातक करता हो, उसी की वजह से अष्टम स्थान में मंगल अब की बार यहां पे बैठा हुआ है, उन सारी चीजों से अब की बार भी उनका सामने होने वाला है। अब एर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल एक्सीडेंट्स हैं, अपने अपने वजह से खुद का नुकसान कर लेने की प्रवृत्ति है, कई प्रकार के नशे हैं, इंटॉक्सिकेशंस हैं, मैरिज प्रॉब्लम्स हैं, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कई तरीकों की चीजें यहां पे बैठा हुआ फिर वो शो करता है। और ये एक्चुअली में हमारी डिजायर्स भी होती हैं, डिजायर्स को भी शो करता है आठवें स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट कि भाई हमारी पूर्व जन्म से हमारी इस प्लैनेट को रिलेटेड डिजायर्स थी, लेकिन वो डिजायर्स शायद सही रास्ते वाली नहीं थी, उसके बारे में हमने गलत डिसीजंस लिए थे, गलत फैसले किए थे, गलत रोल अदा किया था उस प्लैनेट को लेके। जैसे वीनस है तो हो सकता है प्रेम में, विवाह में हमने उन चीजों को उस समय सही ढंग से नहीं निभाया हो, विपरीत हो गए हो हम अपने विवाह से या प्रेम से, या हम किसी प्रकार के इंडल्जेंसेस में, अपने कंफर्ट में, लग्जरीज में इतना खो गए हों कि हमने अपने शुक्र को खराब कर लिया हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है अष्टम में, तो अब की बार जीवन में अष्टम स्थान में शुक्र कई प्रकार की मैरिज प्रॉब्लम्स को, कई प्रकार के फाइनेंशियल इश्यूज को, कई प्रकार के आप हेल्थ इश्यूज को वो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो आठवें स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट हमारी पत्रिका में पूर्व जन्म में किए गए हमारे बुरे कर्मों का नतीजा होता है, जो वो प्लैनेट अष्टम में बैठा हुआ है उससे लेके डिजायर हमारी अभी भी तेज होती है, आप यूं कह सकते हैं इच्छा होती है उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी होगा। अब मंगल बैठा हो किसी की पत्रिका में तो वो अंदर से नेचुरली ये चीज को देखेंगे कि भाई हाँ किसी के ऊपर हमें अपनी धाक जमानी है, पावर जमानी है, हमने
कंट्रोल करना है उनको, जिसको कहा जाए ना कि भाई हमको कंट्रोलिंग फैक्टर चाहिए हर एक चीज का, क्योंकि मंगल हर चीज के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, जुपिटर बैठा हुआ है, तो भाई हमको हर चीज में बड़ा ज्ञानी और बड़ा समझदार और बड़ा इंटेलिजेंट अपने आप को एक विस्तार पूर्वक जिसको कहा जाता है वो शो करना है, वो बनना है उस तरीके से। तो वो सारी चीजों की डिजायर अंदर होती हैं और उसी की वजह से कई बार हम उस प्लैनेट के ही थ्रू गलत काम भी करते हुए चले जाते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कहा जाए तो हम गलत काम भी करते हुए चले जाते हैं। अब किसी की भी पत्रिका में मंगल शुक्र राहु शनि अष्टम में बैठा हुआ है तो वो अपनी दशा में अपने पीरियड्स में खराब रिजल्ट शो कर सकता है, अंतर दशाओं में जिस घर का वो लॉर्ड है उससे रिलेटेड खराब कर सकता है। मालूम पड़ा मंगल जो है लगन का स्वामी हो के अष्टम में पड़ा है तो देखिए हेल्थ इश्यूज अपनी ही वजह से हमको प्राप्त हो सकते हैं। भाई हम किसी चीज को मानने समझने वाले हो ही ना, एक प्रकार से बड़ा आतताई हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, हर चीजों को लेके इम्पल्सिव हैं, जीवन के बारे में ही हमें कुछ नहीं पता है और सोच वही है कि अनकंट्रोलेबल फोर्स है, एक किसी की नहीं सुननी है, अपने फ्रीडम से जीना है, इंडिपेंडेंट से जीना है। मंगल क्योंकि उसी तरीके का है, वो कोई कायदे कानून को नहीं मानेगा, अष्टम में बैठेगा और यही हमारे पूर्व जन्म के भी कर्म थे, जैसे कि मैंने बताया लड़ाई झगड़ा एग्रेसिवनेस ये तुम है। और यहां पे फिर बैठ के अष्टम में मंगल उन चीजों के प्रति भय भी देता है, अब करेज कम हो जाती है, बहुत ज्यादा हौसले कम हो जाते हैं जीवन में, कॉन्फिडेंस गिर जाता है कोई चीज को आगे बढ़ने में करने में, एस्केपिस्ट हो जाता है। कहां एक मंगल पावरफुल प्लैनेट और कहां अष्टम में बैठ के वो बिल्कुल जो है वो एस्केपिस्ट, एक छुपा हुआ एक व्यक्तित्व हो जाता है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। बृहस्पति बैठा हुआ कहां एक रिनाउंड टीचर, एक बड़ा ज्ञानी, एक बहुत एडवाइजर, एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट, और कहां अष्टम में बैठ के वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, पैसे पैसे के लिए वो उसको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ जाती है कई बार अष्टम में अगर जुपिटर बैठा होता है, वो अलग बात है, उसके अलग कई फायदे भी हैं। गुड प्लैनेट्स के अष्टम में बैठा हुआ बृहस्पति फिर वो हमारे लाइफ पार्टनर की तरफ से हमको कई फायदे भी दिलाता है, लेकिन यहां पे पॉइंट ये हो रहा है, बात ये हो रही है कि जो भी आपकी पत्रिका में अष्टम स्थान में प्लैनेट बैठा होगा वो आपकी डिजायर को भी शो करेगा और जिसको पूरा करने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ जाएगा, और ये आपका बैड कर्मा भी था लास्ट लाइफ से जो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके यहां पे लाए हैं, ये बात याद रखिएगा। और अष्टम स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली हम लोगों को देखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्हीं दशा में कई बार हमारा जीवन बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बहुत बदलाव हो जाता है। और अष्टम स्थान में बैठा हुआ प्लैनेट, ये बात अवश्य याद रखिए, जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने के लिए आपसे कह रहा है। कोई भी प्लैनेट होगा, शुक्र हो प्यार के संबंध में, जो आप चाहते हैं, जो आपकी वॉन्ट्स हैं, जो सिक्योरिटी आप चाहते हैं, उसके बिल्कुल मायने बदलने होते हैं हमको। मंगल बैठा हुआ है वहां पे तो एक प्रकार का हमको अपनी एग्रेसिवनेस, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें, तू मैं एकदम से बहुत ज्यादा क्रोध हो जाना या फ्रस्ट्रेट हो जाना, एंग्री हो जाना, ये सारी चीजें शायद हमको रीडिफाइन करनी पड़ेंगी अब की बार, नहीं तो उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए तो वो प्लैनेट आपके अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। वीनस है, अगर हम मैरिज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अपने प्रेम करने के रवैये में अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम क्या चाहते हैं पैसे को लेके, अपने सीक्रेट डिजायर्स को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके, तब हम ये सोच लीजिए हमको जीवन में अपने प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म से लाया हुआ प्लैनेट जो है वो हमारी डिजायर को भी शो करता है, और दूसरी बात हमारे यही पाप कर्म भी होते हैं जिसकी वजह से वो यहां बैठा है, तो अब की बार सुधरने को कह रहा है ना, उन चीजों को त्यागने को कह रहा है, उन चीजों को न्यूट्रलाइज करने को कह रहा है, अदरवाइज थिंग्स कैन गो वेरी बैड जो आठवें स्थान में प्लैनेट बैठा होगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है कि जो हमारे पत्रिका में एर्थ हाउस का लॉर्ड होता है वो देखिए पत्रिका में हमारे कहीं पे भी जाके बैठता है, वो हमारी सबसे बड़ी
वीकनेस होती है, यही बात याद रखिए। वहां पे सबसे बड़ा एक और पॉइंट होता है कि वहां पे हम सबसे ज्यादा गलती कर सकते हैं, वहां पे हम सबसे ज्यादा फॉल्ट पे हो सकते हैं, वो वाला एरिया हमारे एंगल में विभीत्स हो सकता है, सीक्रेटिव हो सकता है, वहां पे हम किसी प्रकार के बड़े मैनिपुलेशंस में पड़ सकते हैं, गलत कामों में पड़ सकते हैं कहना चाहिए। तो जहां पे भी हमारे एट्थ हाउस का लॉर्ड बैठा होगा, एक तो पहला पॉइंट था एट्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है वो हमारे पूर्व जन्म से लाए हुए बुरे कर्मों का फल होता है। अब दूसरा पॉइंट, एट्थ हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठेगा हमारी पत्रिका में, उस जगह से रिलेटेड हमारे जीवन की वीकनेस को दिखाएगा, कमजोरी को दिखाएगा, हमारी गलतियों को दिखाएगा, नोइंगली या अननोइंगली हम वहां पे गलती कर जाएंगे। अब हमारे पत्रिका में एट्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो जीवन में हो सकता है फोर्थ हाउस, देखिए हमारे अपने इंटरनल सीक्रेट्स का, डिजायर्स का, सोचने का, थॉट प्रोसेस का, सब चीजों का होता है, हो सकता है हम उन चीजों में बहुत कुत्सित हो, बहुत विभीत्स हो, अंदर से हम बहुत अलग तरीके से सोच रहे हो, चाहे हमारी शक्ल, हमारा बाहर का जो लोगों के सामने व्यक्तित्व है वो बिल्कुल फर्क हो, लेकिन हम अंदर से किस प्रकार से गलत सोचने वाले हो सकते हैं वो ये भी देखिए बताता है, हमारी पूरी की पूरी सोच को तब्दील कर देता है ना, हमारी एजुकेशन को देखिए खराब कर सकता है वो एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारे पत्रिका में जो है एक अर्ली एजुकेशन को दिखाता है, हमारी स्कूलिंग को दिखाता है, हो सकता है वो गड़बड़ हो जाए, खराब दोस्तों का साथ हो जाए, घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो जाए, उसकी वजह से हमारी एजुकेशन खराब हो जाए, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारी वहां पे हो जाए। तो एट्थ हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठेगा हमारी पत्रिका में, उससे रिलेटेड हमारे जीवन की वीकनेस को या कमजोरी को बताएगा। दूसरी बात, वो ये भी बताएगा कि कहां हम गलती कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, तो अब हमारी सोच जो है अच्छी भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हो सकता है एट्थ हाउस में बैठा हुआ एट्थ हाउस का जो लॉर्ड है, जब वो फोर्थ हाउस में जाके बैठे तो हमको सीधे रास्ते की बजाय जो है हमेशा कुछ ऐसे रास्तों की ओर ले जाए जिससे हमारा पतन निश्चित है, हम इस प्रकार के डिसीजंस ले लें, हम इस प्रकार के मन में मनोभाव रख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति हमारे बारे में कोई गलत सोच भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने मन में अजीब अजीब तरीके की धारणाएं पाले हुए हैं, क्योंकि चौथा स्थान देखिए अंडरग्राउंड भी है हमारे अंदर का, हम उसको जानते हैं, वो हमारे सीक्रेट्स हैं। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड जब वहां पे जाके बैठेगा तो उन सीक्रेट्स को और ब्लैक रंग में रंगेगा और डार्क करेगा, तो लोगों के प्रति हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है, हमारा जो परसेप्शन है, उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। हम सीधी तरीके से हो सकता है चीजों को ना लें, लोगों को ना लें, चीजों को हम लेट इट गो ना कर पाए, अपने मन में बांध के बैठ जाए उन चीजों के बारे में लेके। अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए एट्थ हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में पैसे का भी कोई लॉर्ड है बन के आता है, जैसे जुपिटर की ही बात करते हैं या मरकरी की बात करते हैं जो वृश्चिक लग्न में एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है और इलेवेंथ हाउस का भी लॉर्ड है, अब वही अगर हमारी पत्रिका में फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो पैसे को लेके हम किस प्रकार से कोई उधेड़ बुन कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, बाहर की दुनिया देख रही है कि हाँ पैसे में ये बहुत फेयर डीलिंग वाले व्यक्ति हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मालूम पड़ा अंदर से हमारा व्यक्तित्व एक चोर का हो, हम पैसा ऐठना, ठगना, ये सारी चीजें जानते हो, या ये सारी चीजों में हमारी वृत्ति हो, वो हमारी वीकनेस है। आठवें स्थान का स्वामी चौथे स्थान में है, ग्यारहवें स्थान का स्वामी भी वहां बैठा है, या स्वयं आठवें स्थान का स्वामी ग्यारहवें स्थान का या पैसे वाले स्वामी का लॉर्ड भी है साथ में, पैसे वाले के साथ बैठा हुआ है इलेवेंथ या सेकंड हाउस के साथ, या स्वयं है, तो मालूम पड़ा पैसे के मामले में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं फिर स्वयं को, खुद को, हम गलत डिसीजंस लेने लगते हैं, वो हमारी वीकनेस साबित होती है, उसी की वजह से हम नया बैड कर्मा क्रिएट कर देते हैं। अब मालूम पड़ा हमारा एट्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, अब हमारे जो हमारी जो जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारी इस तरीके की डीलिंग्स होती हैं, प्रेम होता है उसमें, हो सकता है हम फेयर ना हो, हमारे मन में किसी प्रकार से फिजिकल लस्ट
ये सारी चीजें उसमें समा जाएं, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है ना, तो वहां पे हम कुछ गड़बड़ करने लग जाएंगे, हमारे डिजायर्स, हमारी लग्जरी, हमारी कंफर्ट्स, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ग्रीड हमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है चीजों को लेके, फिर तो हम उसमें गलत काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। मालूम पड़ा अगर वीनस 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, मैरिज में हम फेयर प्ले नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब है 8th हाउस का लॉर्ड जिस घर में भी बैठा होगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम शो करेगा, उस घर से रिलेटेड वीकनेस शो करेगा। इतनी वीकनेस के 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपके पत्रिका में 4th में बैठा है, जिसको मैं सबसे अच्छा मानता हूं क्योंकि ये माँ का घर होता है, वहां पे हो सकता है व्यक्ति अपनी माँ से भी दुर्भाव कर जाए या गलत बात कर जाए, मतलब गुस्सा गिला कर जाए, उनकी भी बात कहना ना माने, ये सारी चीजें देखिए यहां तक हो सकती हैं, वो फिर हमारे लिए इवेंचुअली बैड कर्मा लेके आता ही आता है। जिस प्लैनेट के साथ बैठा होता है 8th हाउस का लॉर्ड, उसमें भी आप मान के चलिए वो गड़बड़ कर देगा, वहां पे भी हमारी वीकनेस शो करेगा। अब 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपकी पत्रिका में 10th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो काम में लेके हम कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, वहां हमारी वीकनेसेस होंगी, वहां हमारा छल कपट होगा, वहां हम सीरियस नहीं होंगे, वहां हम अपने जीवन में गड़बड़ी कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखिए वहां पे भी शो करता है। तो बहुत जरूरी है 8th हाउस के लॉर्ड को अपने जीवन को देखना, क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा हम नई नई गलतियों को करने लग जाते हैं, नए कर्मा क्रिएट करते हैं, बैड कर्मास क्रिएट करते हैं। भाई 8th हाउस का लॉर्ड एक्चुअली में हमको त्याग सिखाता है, 8th हाउस का लॉर्ड हमको जीवन में एक जीरो पॉइंट पे खड़ा होना सिखाता है। जीरो पॉइंट का मतलब ये है कि ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, आदमी एक समाधि की स्टेट पाले अगर, उस चीज की ओर वो ले जाता है, सब कुछ आपके सामने वो प्रत्यक्ष करना बताता है। 8th हाउस या 8th हाउस का लॉर्ड एक्चुअली इवेंचुअली में यही है कि भाई अंततः मृत्यु हो गई और उसके बाद एक नई बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, एक नया इनिशिएटिव है, लेकिन ज्यादातर 99% 8th हाउस का लॉर्ड जहां भी जाता है इन चीजों को ना दिखा के वो विपरीत परिस्थितियों में डलवा के व्यक्ति को उनसे नया कर्मा क्रिएट करवा देता है, वो भी बैड। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि 8th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ बैठा है किसी के भी पत्रिका में, तो यहां पे प्रेम के मर्म को समझना जरूरी है, हमारी लग्जरीज को समझना जरूरी है कि भाई ठीक है हमको बढ़िया गद्दा मिल रहा है सोने को या खटिया मिल रही है सोने को, सब आनंद है, अंततः आना तो जीरो पॉइंट पे ही है ना, तो हम उस चीज में फिर कंटेंट होते हैं, संतोष पाते हैं। होता विपरीत है, 8th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ बैठेगा तो हमारे अंदर वीनस की चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा कर देगा, बहुत ज्यादा हमारी इंटेलिजेंस उसमें शो कर देगा उससे, बट नेचुरल है कि हम कई प्रकार के बैड कर्मज इस जीवन के लिए लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपके 8th हाउस का लॉर्ड वीकनेस शो करता है, जिस घर में बैठा हो, जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो, उसके द्वारा भी आप ये समझ लीजिए बैड कर्मा अर्जित कर सकते हैं। कहीं पे भी बैठा हो आप उसको लगा लीजिए, 8th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठेगा, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को शो कर सकता है, काम में आप अपने जीवन में गड़बड़ी कर सकते हैं, काम में सीरियसनेस नहीं हो सकती है, एक सडननेस इन्वॉल्व होती है, छूटना पकड़ना रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं, हमारे मान सम्मान को, हमारी पोजीशन को, हमारे स्टेटस को, हमारे यश को ठेस पहुंचा सकता है, और वो स्वयं के द्वारा भी होता है। भाई कहीं हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन अंततः वो हमारी वीकनेस होती है तो वो कार्य हमसे हो जाता है, तो हमको उस चीज को रोक के रखना है, नहीं तो हम फिर एक नया बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के साथ, 8th हाउस के लॉर्ड आपकी पत्रिका में लगन में जहां पे भी बैठा हो, ये बात याद रखिए कि D30 चार्ट में हमारे पत्रिका, हमारे जो कुंडली होती है उसमें 16 वर्ग होते हैं, एक वर्ग इंपॉर्टेंट होता है D30 या त्रिशमांश, वो वाले चार्ट में हमको अपने 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी होती है कि वो 8th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है D30 में। अब अगर देखिए वहां पे वो
खराब घरों में बैठा हुआ है या वहां पे उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आप यकीन मानिए उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत कर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको बहुत मुसीबत में डाल देगा अपनी दशा में या चीजों में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपकी पत्रिका में 8th हाउस का लॉर्ड मरकरी है और D30 में मान लीजिए यही मरकरी 8th हाउस में बैठा हुआ है और आपकी पत्रिका में अब मरकरी की दशा आ गई, 16-18 साल का जी उम्र है, 20 साल की उम्र है, अब उस समय मरकरी की दशा आ गई तो बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, दोस्ती यारी, पैसा, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, लॉटरी, इन सारी चीजों की वजह से हम उस तरफ बढ़ के अपना बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं। वजह, क्योंकि D30 में वो 8th हाउस में बैठा है और D30 चार्ट या त्रिमांश चार्ट जो है हमारे जीवन के मिसफॉर्च्यून्स को भी बताता है, हमारे जीवन में क्या खराब होने वाला है वो ये भी बताता है, क्या अच्छा हो सकता है वो तो बताता ही है, साथ में क्या खराब हो सकता है वो भी बताता है। तो ये वाला सूत्र जरूर याद रखिएगा कि 8th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में D30 में कहां बैठा हुआ है, और अगर वो खराब भावों में बैठा है या वहां पे वो खराब पोजीशंस में बैठा हुआ है तो सतर्कता की उस प्लैनेट के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको मरकरी का ही उदाहरण दिया, तो अपने पढ़ाई लिखाई को लेके सीरियस रहिए, अपने रिलेशनशिप्स को, कहने का मतलब है उनके साथ कम्युनिकेशन में, इंटरैक्शंस में, लोगों के साथ बर्ताव करने में, अपने रास्ते में, क्यों, क्योंकि हमारा रास्ता भटक जाता है, मरकरी बहुत एडोलेसेंट है, वो हमको समय समय पे हमारे डाइवर्ट करता रहता है गोल्स को, चीजों को, तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमको स्पेसिफिक हो जाना, नहीं तो ये बहुत बड़ी खराबी हमारे जीवन में वो बता सकता है, अपनी दशा में बता सकता है, उनकी अंतरदशाओं में बता सकता है या इन होल बता सकता है कि यहां से हमको जीवन में गड़बड़ी आ सकती है। 3rd पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो हम लोगों ने बैड कर्मास की बात करी, साथ में ही यहाँ पे गुड कर्मास भी है, हम लाते हैं भाई गुड कर्मास कई बार वो 5th हाउस से हम लोग शो करते हैं, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो ये बताता है कि आप अपने जीवन में शुभ कर्म जो है वो कहां से अर्जित कर सकते हैं, कहां से अर्जित कर सकते हैं वो ये बताता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड, जहां पे भी बैठा होगा तो वहां से आप अपने लिए इस जीवन का बोनस क्रिएट कर सकते हैं, गुड कर्मस क्रिएट कर सकते हैं, शुभता क्रिएट कर सकते हैं। जिसको कहते हैं ना कि भाई हमारे पास फ्री विल है, हमारी भी तो कुछ इच्छा है, हम भी अपने हिसाब से अपने कर्मों को बदल सकते हैं, हमारे मेहनत से हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड आपको इस बात की जानकारी देता है कि भाई आपकी पत्रिका में वो कहां बैठा है, आप किस चीज के थ्रू अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। मालूम पड़ा आपके 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है पत्रिका में, तो लोगों के साथ वार्तालाप से, इंगेजमेंट करने से, जीवन में अपनी ब्रेवरी करेज दिखाने से, स्वयं के लिए भी लोगों के लिए भी, कम्युनिकेशन से, लोगों से बातचीत करने से, आप इन चीजों से अपने जीवन में बहुत गुड कर्मस क्रिएट कर सकते हैं ना। 3rd हाउस देखिए हमारे जीवन में करेज का होता है, डिटर्मिनेशन का होता है, विल पावर का होता है, हर प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एक क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्ट्री, इन सबको शो करता है। बहन है, हमारे भाई हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम इनके साथ शुभता से अपने जीवन में जीते हैं तो हमें बहुत बड़े लाभ मिलते हैं, या यूं कह लीजिए जितने भी हमारे प्रयास हैं, जितने भी हमारे कार्य हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, चाहे अपने भोगों के लिए करते हैं या जो हमारे डिजायर्स से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 3rd स्थान हमारा डिजायर्स से रिलेटेड भी है, तो अगर हमारे 10th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके बैठता है तो हम वहीं से गुड कर्मस जनरेट कर सकते हैं, अपने हाथों द्वारा शुभ काम करके, लोगों के लिए, लोगों के साथ सही तरीके की वार्तालाप करके, सही लोगों से मित्रता करके, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करके, हम ये सब काम कर सकते हैं। तो देखिए 10th हाउस का लॉर्ड हमको जहां पे भी जाके बैठेगा वो बताएगा कि आपको वहां से शुभ कर्मा अर्जित करने का
क्या चांस है? 10th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपकी पत्रिका में 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब घर, परिवार, माताजी, हमारे अपनी सोच, पढ़ाई लिखाई, डीप इंटरनल थॉट, कोई अकल्ट प्रैक्टिसेस, 4th हाउस क्योंकि मोक्षा का स्टार्टिंग हाउस है। तो हम अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर हमारा 4th में बैठा हुआ है तो हमारे हमारे कर्म में, हमारे जीवन में एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए, एक इमोशनल टच होना चाहिए, लोगों के प्रति एक जिसको कहा जाए ना नम्र व्यवहार होना चाहिए, हमारा मन जो है बड़ा निर्मल होना चाहिए लोगों के लिए, घर के लिए, माता के लिए, अपने हर एक। तो ये हम एक गुड कर्मा अर्जित कर रहे हैं ना, हमारा 10th हाउस का लॉर्ड इस जन्म का कर्म 4th में बैठ गया है। गुड कर्मा कहां से शुरू कर सकते हैं? अपने घर से ही, घर के लोगों को सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, छोटों का साथ दे रहे हैं, तो इससे हमारे गुड कर्मास क्रिएट हो रहे हैं। आदमी पूछेगा भाई हम इस जीवन में गुड कर्मास कहां से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कहने को 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है तो चैरिटी बिगिंस एट होम, वो घर ही में शुरू किया और घर ही में खत्म हो गया, वो बात नहीं है। मन से अच्छा होना है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होना है। जब आप अकेले हैं, 4th हाउस रात्रि को रिप्रेजेंट करता है, अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम अंधेरे में भी अपने कर्मों को स्वच्छ रखें। भाई 10th हाउस का लॉर्ड हमारा कर्म है, 4th हाउस जो है वो नाइट है, अंधेरा है, डार्कनेस है, ऐसे समय में भी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, हमारा मन अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, गड़बड़ नहीं हो रही है, हम एक अपने पथ पे चल रहे हैं, तो भगवान हमको इस जीवन में बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा उसको भी इनकरेज कर सकता है, उन चीजों में भी इनकरेज कर सकता है कि भाई इन चीजों में भी आप अपना गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हैं। अब मालूम पड़ा आपके 10th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में, वो क्या शो करेगा कि भाई किसी प्रेम में, रोमांस में, रिलेशनशिप में, मैरिज में गुड कर्मा बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो वो आपको अच्छे कर्मा, आपकी अच्छी एक अच्छी पोजीशन पे आपको लेके जाएगा, उस स्टेटस से लेके, प्लस आपको बेनिफिट होगा। आपके 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर के साथ आपकी पत्रिका में बैठा है, हर काम को विवेकवान तरीके से, वाइजनेस से, धर्म के चीज पे तौल के, जिसको कहा जाए ना बैलेंस करके कि हाँ ये काम मैं सही कर रहा हूँ, राइटेस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, विवेक है नहीं है पूरा उस चीज में, मतलब विवेक पूर्ण अवस्था से हमको उस चीज को जज करना है धर्म के मामले में कि भाई हम जस्टिस से ये काम करें किसी के साथ, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर वो प्लैनेट्स के साथ देखिए बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड मान लिया जाए आपकी पत्रिका में मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो भी हमारा कर्मा या हमारे एक्शन या हमारे जो करेज है वो कैसे होने चाहिए धर्म पूर्वक। अगर हम किसी से लड़ भी रहे हैं, मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड मार्स के साथ बैठा हुआ है, हमारा किसी के साथ एग्रेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो भी हमको वहां पे क्या शो करना है? मर्यादित लड़ाई जिसको कहा जाता है ना, धर्म युद्ध जो होता है, धर्म युक्त जो हम किसी से कन्फ्रंटेशन करते हैं, और उसका मतलब होता है मर्यादा में रह के हम किसी के साथ ये काम करें, हम इतना नीचे ना गिर जाएं जिसकी वजह से हम बैठ कर्मा अर्जित कर लें। तो 10th हाउस का लॉर्ड जिस घर में बैठा होता है, 10th हाउस का लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ बैठा होता है, वो आपके जीवन का चांस है कि आप कहां से गुडविल इकट्ठा कर सकते हैं, शुभता इकट्ठा कर सकते हैं, अपने अपने लिए गुड कर्मास बाद के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, पसंद आए तो अवश्य शेयर करिएगा, कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।